कल से एक बात चली चली है। इसको पीने से मेरे अंदर काला कुत्ता जाग जाता है, या तो हमारे पास ना तो बोतलों की कमी है ना कहानियों की, लेकिन आज कहानियां कुछ हिंदी फिल्मों के पर्दों से निकलकर बाहर आ रही हैं, उन बोतलों की जो पर्दों पर खाली हुई और पर्दे के पीछे खाली हुई। मेरे साथ है मेरे मित्र, मेरे दोस्त यासिर उस्मान। ये हम लोग दोनों जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ता हूँ ये लिखते हैं, और ये जो लिखते हैं इन्होंने भी चौथी किताब इनकी आई है। तो कहा जाता है कि दुनिया में बहुत से लोग हुए जो लिखते हैं, लेकिन यासिर का है अंदाजे भैया कुछ और बहुत चोरी का फिर था मेरा ये। लेकिन ये जो मैं देखता हूँ हर बार जो भी आप ये सेगमेंट करते हैं एम्प्टी बॉटल वाला, और इसे देख के ना मुझे गुलजार साहब का गाना याद आता है, वो वाला बोतल से एक बात चली चली है। तो ये बोतलों से निकलती है, और ये बिल्कुल यहाँ से खाली बोतलों की एक अजीब किस्म की हिस्ट्री है, जो हम हिस्ट्री की जब भी बात करते हैं, मैं फिल्मों की हिस्ट्री और फिल्म वालों की हिस्ट्री कहता हूँ, ये वाइन बॉटल्स की, शराब की बोतलों की हिस्ट्री। हाँ, और ये बड़ी दिलचस्प तरह की हिस्ट्री है, आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इनके चैनल को, ये मैंने पहले ही कह दिया, क्योंकि बहुत दिलचस्प मामला है यहाँ पर। आज पता नहीं मुझे क्यों बुला लिया ना, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। इनको मैंने इसलिए बुलाया कि इन्होंने जो चार किताबें जो इनकी छपी, और अभी जो नई किताब इनकी बहुत हर जगह सोशल मीडिया पे छाई हुई है, गुरुदत्त के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, आप कवर अभी देख रहे हैं। ये किताब भी उस एक आदमी के बारे में है जो बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाता था, हम सब उसके बहुत बड़े फैन है, लेकिन शराब का उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा होता। तो राजेश खन्ना पे उन्होंने किताब लिखी, संजय दत्त पे उन्होंने किताब लिखी, गुरुदत्त पे किताब लिखी, क्या चक्कर क्या है कि आप हर उस आदमी के बारे में किताब लिखते हैं जो शराब और किताब का। नहीं नहीं यार, मैंने ऐसे सोच के नहीं लिखा है नितिन बाबू, ये एक्चुअली हाँ इस तरह जब आप कह रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हाँ जितनी भी कहानियां हैं उसमें, चूंकि मेरे हिसाब से ऑल द बुक्स आर अबाउट लोनलीनेस, और जाहिर है ये लोनलीनेस के साथ उनकी साथी शराब हो गई, तो वो उनकी चॉइस थी, लेकिन उसकी वजह से कहानियों में अलग रंग है, और खासतौर पर गुरुदत्त को तो देखो तो हाँ बिल्कुल कांस्टेंट कंपेनियन उनकी शराब ही हो गई थी, और उन्होंने नुकसान भी बहुत पहुंचाया और शराब ने, नींद की गोलियों ने, लेकिन कहानी जाहिर है उससे आगे कहीं है, चूंकि आपका सेगमेंट है तो आप घूम फिर के यहाँ आगे, लेकिन वाकई दिलचस्प बात है। मैंने नोट नहीं की थी तीन कैरेक्टर्स बड़े बड़े, ये किताब का प्रमोशन नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप फिर भी पढ़ लीजिएगा। कहानी ये है कि जैसे उनकी एक फिल्म भी थी साहब इब्न गुलाम है, या प्यासा है, जो भी कैरेक्टर्स भी रहे कहीं ना कहीं, जो उनके कैरेक्टर्स भी रहे, छोटी बहू मतलब शराब का बहुत बड़ा रहमान साहब या मीरा कुमारी या जो भी कैरेक्टर की फिल्मों में रहे हैं, वो जॉनी वॉकर का नाम ही जॉनी वॉकर था, उन्होंने दिया था। और ये एक्चुअली क्योंकि जिस हिंदी सिनेमा के आप भी फैन है और मैं भी फैन हूँ, वहाँ ये बड़ा ग्लैमराइज करके भी दिखाया जाता है, और कभी ट्रेजेडी भी, देवदास उधर है, जॉनी वॉकर कॉमेडियन है, और कृष्णो मुखर्जी ऑफ कोर्स थे, तो शराब के नाम पे बहुत होता तो ड्रामा तो बहुत होता है, आई थिंक एलिमेंट ऐसा है कि ड्रामा स्क्रीन पे बहुत अच्छा क्रिएट होता है। लेकिन हाँ ये दिलचस्प इत्तेफाक ही कही है कि राजेश खन्ना थे, संजय दत्त थे, तीनों सबसे बड़े ही कहे जाएंगे मेरे हिसाब से, जवान है। अच्छा मुझे वैसे बताइए कि चलिए ये तो आपकी किताबें हुई आपने लिखी, पर जनरली फिल्म फैन, एज अ फिल्म एक्सपर्ट, फिल्म जर्नलिस्ट, अगर मैं बोलूँ कि भाई फिल्मों में शराब पिए हुए सीन्स जो हैं, अगर आपका कोई फेवरेट सीन मैं आपसे पूछूं, मुझे देखिए देवदास ही ध्यान में आता है ऐसे तो, दिलीप कुमार मुझे हमेशा लगता है कि बहुत बातें होती हैं, मेरा बचपन वाज ऑल अबाउट अमिताभ बच्चन, है ना, अमिताभ बच्चन से बड़ा कोई है नहीं हमारी नजर में, हम तो उसी को नकल करके हम सब हाँ, लेकिन जब थोड़े से बड़े हुए और थोड़े से फिल्मों को समझने लगे तो मुझे लगा सबसे बड़े तो दिलीप साहब ही, और खुद बच्चन साहब भी उनको मानते हैं, तो कोहिनूर वाला था और देवदास वाला, दो शराब के सीन, एक कॉमेडी है और एक बिल्कुल मर्द वाला सीन है जिसका वो शीशे वाला सीन है, वो कोहिनूर का सीन है, तो वो कोहिनूर कॉमेडी हो गई अगेन, देवदास ट्रेजिक हो गया, दोनों शराबी के सीन है, उसी तरह अमिताभ बच्चन का वो ट्रेजेडी है और ड्रामा, शराबी फिल्म ले लीजिए और कॉमेडी तो पता नहीं कितने हैं उनके, बहुत है। तो बहुत सारे हैं, बहुत मारा ना तेरे को, बहुत कमाल, ये सब बहुत कमाल के, खुद गुरुदत्त वाले भी, बट मुझे हमेशा लगता था कि एज एन एक्टर से ज्यादा गुरुदत्त एज अ फिल्म मेकर स्ट्रॉन्ग लगते हैं मुझे हमेशा,
जिस तरह उन्होंने फिल्में शूट की, जिस तरह विजुलाइज की, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट है एक्टर ऑफ कोर्स, क्योंकि जब फिल्म की कहानी अच्छी है और अगर आप अच्छा शूट कर रहे हैं तो एक्टिंग में फायदा हो जाता है द वे यू शूट योरसेल्फ। जैसे हम अभी बात कर रहे थे ना कि चश्मा मोटा था उनका और वो फिल्मों में चश्मा उतार के करते थे तो कैमरा ही नजर नहीं आता था। एक बात ये करें, गाने थे अब मोतीलाल साहब का है ना जिंदगी खराब है, खराब है, झूठ के, अब वो कैसे भूलेगा, या चीनो वाला हमारा है राज कपूर साहब का, मतलब ये सब आइकॉनिक गाने हैं शराब पी करके। तो शाहरुख की भी देवदास अभी आई थी, तब इवन मोतीलाल रोल जब जाकी ने किया तो वो भी बड़ा हिट रहा, पीछे से ये पास से वो चला होगा काफी। तो अगर कोई गाना दिमाग में आए, मुझे एक, चूंकि राजेश खन्ना की कहानी मैंने लिखी है, मेरी पहली किताब थी, तो एक होली का सॉन्ग है, होली के नाम पे ना आपको ये याद आता है सारे होली आई रे और जितने भी हैं, या है ना, वो एक बड़ा दिलचस्प नमक हराम का सॉन्ग है जिसमें होली का वर्ड, होली सागर से गहरा है, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम। अच्छा उस फिल्म में भी, लेकिन जो रजा मुराद का कैरेक्टर था, मैं शायर बनता, वो भी, वो जो सबसे अनोखा कैरेक्टर था वो भी शराब में डूबा हुआ था। ये आई थिंक ये बड़ा रोमांटिसाइज कर दिया गया, मुझे लगता भी नहीं है सारे पुराने शायर जितने बड़े, क्योंकि इतने होश की बातें लिखते थे, मुझे लगता नहीं वो शराब पी के लिखते होंगे। आई थिंक ये फिल्म गालिब, गालिब के बारे में कहा है, चलिए ओल्ड टॉम, मैंने तो पूरा नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हां वाह ओल्ड टॉम का है, मुझे लगता है अच्छे अच्छे लिरिसिस्ट भी हुए हैं, शायर भी बहुत बड़े बड़े हुए, मुझे लगता है वो सारा पी के लिखते होंगे, क्योंकि बहुत विजडम की बातें भी लिखते थे, और अगर शराब के बारे में लिख रहे हैं तो जरूर, ये बात सही है, यदि ज्ञान तो शराब पी के निकलता है। चलिए विजडम जो है आप एक्सपीरियंस हो, अंग्रेजी मैंने तो सिर्फ लिखी है किताबें, मुझे पता नहीं, लेकिन आप दरिया से दरिया, दरिया दरिया से सागर, सागर से सागर से गहरा, आनंद बख्शी की जय, आनंद बख्शी की जय। अच्छा वैसे अगर बात की जाए, जनरली हम सिनेमा की बात कर रहे हैं, तो अगर हिंदी फिल्मों में फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड इसका प्रोजेक्शन हमेशा रहा कि भाई बुरी चीज है, ये जो है ये बुरी चीज है। मुझे जैसे एक अमरीश पुरी साहब का डायलॉग याद आता है, वो लोग बैठ के ब्लैक डॉग पी रहे हैं, शहंशाह कि इसको पीने से मेरे अंदर काला कुत्ता जाग जाता है, और ऐसे ही जैसे आई थिंक इतना जबरदस्त ब्रांड प्लेसमेंट ना, हाँ मतलब कहीं एक्चुअली जो आज लोग कहा भी नहीं होगा ब्लैक डॉग। तो अच्छा जितने भी वैम्प्स होती थी वो ऐसे हाथ में ग्लास लेके ऐसे छोटे शहरों में तो शराब को शराबी कहा जाता था और वही था कि ये शराबी है, और आज तक आप देखिए जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं बिहार में वो इसी चीज पे नीतीश कुमार भी लड़ रहे हैं कि शराब बंदी कर दूंगा और औरतें खुश हो जाएंगी क्योंकि उनके पति पीते हैं। बट मोरल जो बड़े शहरों की चीजें हैं, और जितना जितना बाहर से जब विदेशों से आना जाना शुरू हुआ, इंटरनेट आया उसके बाद, है ना, डिस्कोथेक्स खुले और वो डिस्कोथेक्स में मिडिल क्लास जाने लगा, तो आई थिंक थोड़ी सोसाइटी तो चेंज हुई। हमने भी दिल्ली जब पढ़ने आए उसके बाद वो चेंज मुझे लगता है हमारी आंखों के सामने हुआ है, सोसाइटी बदली तभी फिल्में बदली है, उल्टा नहीं हुआ। वो जो फिल्में समाज का आईना है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, जो समाज में होता है मूल रूप से थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक होके आ जाता है, पहले नहीं आता, लेकिन जो जो पुरानी तस्वीर थी वो वैम्प वाली, वो तस्वीर समाज की भी थी। काला कुत्ता के बाद तो डायलॉग भी आ रहा है मुझे, वही तो डायलॉग हुआ है इस तरह का, मतलब जो लगता था कि कौन है शराब नहीं होती चांदनी। अच्छा वैसे तो बियर पी के लोग कुछ हुए हैं, अच्छा और बड़ी शूटिंग हम लोग अपने भी किसी ड्रामा की शूटिंग कर रहे थे जहाँ पे कोई कैरेक्टर पी रहा था, आपको पता है क्या होता है, असली नहीं होता है वो चाय की पत्ती के अलग नहीं होता, हाँ, चाय की पत्ती के अलग अलग, मैंने भी अकाउंट किया था, बिल्कुल चाय की पत्ती के अलग है जिसको लेके वो एक्टिंग करते हैं, तो यार एक्टर भी तो मेहनत तो करते हैं, चाय की पत्ती से कौन, हम लोग तो यही पता था कि शराब पी के क्या होगा, यही हो रहा था, यही कर रहे थे हम लोग, ये स्पेशलिस्ट हैं इस इतिहास के, तो ये मुझे बार बार फंसा रहे हैं, नहीं ये पर हम तो यही, हमने तो वही देखा कि अमिताभ बच्चन साहब तो बहुत मारा तेरे को वही याद है, तो वही कर रहे थे। तो अगर मैं बोलूं कि आइकॉनिक, अगर आप तीन मतलब आपने दिलीप साहब का नाम लिया, पर अगर तीन चार फिल्में जिसमें हम जिसमें अल्कोहल प्लेड अ मेजर पार्ट, वो अगर कुछ याद आती हो दिमाग में, बहुत रैंडम सवाल है, देवदास, शराबी, शराबी,
आई थिंक शाहरुख खान के पास तीन ही है जो आप बताइए कुछ आप नहीं भेद तो दिमाग में पहली लाइन हो जाती कि नशा शराब में होता हाँ तो नाश्ती होता और वो बहुत कमाल किया अब भी अगर आप देखें तो उसमें he's not playing a drunk card बड़ा बड़ा thin line है he's playing an alcoholic तो वो थ्रू आउट एक ही ड्रॉल है वो सुरूर में वो सुरूर में है हाँ वो ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है हाँ वो सब नहीं कर रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है तो और वो भी कॉपी थी किसी बाहर की फिल्म की लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन ने अपना डायमेंशन दे दिया तो मजेदार था वो मुझे लगता है यही तीन है शाहरुख खान बहुत लोगों ने कहा ओवर एक्टिंग है लेकिन अब इफ यू गो बैक टू संजय लीला भंसाली देवदास मुझे लगता है शाहरुख खान के सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेज में से कुछ सीन तो बहुत ही कमाल मैं बिल्कुल बात से लेकिन वापस आपकी किताब पे आते क्योंकि ये तो गप चलती रहेगी बहुत लंबी चल रही है ये बताइए कि मैं सुना कि कंट्रोवर्सी हो गई कंट्रोवर्सी नहीं होगी प्रॉब्लम क्या होती है कि आप संजय दत्त लिख रहे हैं तो ठीक है रेखा लिख रहे हैं तो ठीक है तो वो आपको बोल देंगे अच्छा ये तो मसाला लिखता है जैसे ही आप गुरुदत्त पे जाते हैं या आगे किसी और है ना बड़े फिल्म मेकर पे जो लिखने वाले हैं उस पे जाते हैं तो लोगों को एक ग्रुप है लोगों का वो उनको सोचता है अच्छा यहाँ कैसे आ गया ये ना वो टेरिटोरियल हो जाते हैं हाँ। तो बड़ी मुसीबत है हाँ। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये सारे लोग जो लिख चुके हैं बोरियस से भरी किताबें हैं सिनेमा जो इतना एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन था जबकि ये फिल्म है खासतौर से गुरुदत्त की और ऑफकोर्स आर्टिस्टिक भी थी मेरा हमेशा मानना रहा है गुरुदत्त वॉज अ कमर्शियल फिल्म मेकर क्योंकि सब फिल्में बारिंग कागज के फूल सब सुपर हिट फिल्में हैं और वो मनोरंजन कर रही है मतलब प्यासा में जिन्हें नाज है इन पर वो कहाँ है ना वो भी है और चंपी तेल मालिश भी है जो तेरा वो एक ही फिल्म में है तो वो जो बैलेंस है वो इतना कमाल का है थ्रू दिस बुक आई वॉन्टेड टू टेल अ कंप्लीट स्टोरी और पर्सनल क्यों क्या पर्सनल क्यों सुना रहे क्यों ना सुनाए भाई वो जो उनकी लाइफ में हो रहा है वो अगली फिल्म में पर्दे पे दिखाते थे इट हिज सिनेमा वो सो इंटेंसली पर्सनल नो सर दैट लाइन दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम बिकॉज़ इफ ही वाज ड्रिंकिंग देन विजय वाज ड्रिंकिंग यू नो सो इफ ही वाज इफ यू सीइंग समबडी यू आर सीइंग दिस प्रॉब्ली यू सीइंग गीता दत्त ड्रिंकिंग यू आर सीइंग विनय कुमार ड्रिंकिंग हां तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी तो वो सिनेमा बहुत पर्सनल था और वो चार्म क्यों है अभी तक वो आपसे क्यों कनेक्ट करता है प्यासा का जो कैरेक्टर है या कागज के फूल आपसे क्यों कनेक्ट करता है क्योंकि वो पर्सनल है वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं ड्रामेटिक वे में ये कहानी आज की भी है मतलब अगर ऐसा बिल्कुल है बिल्कुल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है वो बाकी कोई फर्क नहीं है सब कुछ आज भी वही हो रहा है तो जब तक आप बोतलों से कहानियां निकाल रहे हैं तब तक तो ठीक है पर बोतल में डूब के अगर आप खुद कहानी बन रहे हैं तो मामला ठीक है देवदास ना बने देवदास ना बने देवदास केशव मुखर्जी जो थे भाई हिंदी फिल्मों में लोग कॉपी दो लोगों की करते हैं हमारी जनरेशन के लोग या तो या फिर केस्टो करके जो होता है तो वो आपकी विशेष टिप्पणी यार बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी केस्टो की बात की जाती है ना बहुत और मेरी इस पे कई जो सिनेमा के कीड़े होते हैं ना इस देश में कई हैं जिनसे मेरी जान पहचान है जो बहुत ज्यादा जानते हैं मतलब मुझसे 20-25 गुना ज्यादा जानते हैं उन सबसे मैंने पूछा तो एक एक कॉमन चीज ये है कि केशव मुखर्जी जिंदगी में असली जिंदगी में शराब नहीं पीते लेकिन वो शराबी का रोल कर रहे थे जो मेरी रिसर्च है वो ये कहती है कि मैंने किसी का उनके किसी दोस्त का एक बार इंटरव्यू सुना जहां वो कह रहे थे कि फिल्मों में केशव मुखर्जी शराब पीते थे और असली जिंदगी में शराब केशव मुखर्जी को पी तो उनका कहना था कि ये बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी में कर दिया था और प्रॉब्लमेटिक था उनके लिए और इसी का बिल्कुल ऑपोजिट इसने भी सुना कि वाली भी हाँ जॉनी वॉकर सब क्या हुआ जॉनी वॉकर ने अपना नाम रखा जॉनी वॉकर गुरुदत्त ने और देवानंद ने वो सब मिलके वो जब पहली फिल्म में काम किया उन्होंने तो जॉनी वॉकर उनका नाम रखा गया लेकिन जॉनी वॉकर वाज अ टीटोटलर थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया और बड़ी बहुत ही जिसको वाइज कहते हैं ना वो बहुत ही विजडम वाली बातें करते थे तो स्टूडियो का दरवाजा हाँ, घर का दरवाजा में दूरी होनी चाहिए तो वो कह रहे हैं कि स्टूडियो और घर के दरवाजे में जितनी दूरी रखोगे उतने सुखी रहोगे वरना घर में स्टूडियो की बातें होंगी और स्टूडियो में घर की बातें होंगी और तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुम आ रहे हो कि जा रहे हो ये कमाल की बात है ये हाँ, बात बहुत ध्यान रखने की बात है क्योंकि आदमी शराब पी के बहक जाता है कंफ्यूज हो जाता है कहां है तो बोतल खुली तो जिन निकला
कहानियां निकली बहुत सारी, जितने फिल्मी सितारे उतनी कहानियां, और ये मान ही लिया जाए कि जिनकी कहानियां इन्होंने लिखी हैं उनके अलावा बाकी लोग जिनकी नहीं लिखी हैं जिनके लिखेंगे उनके भी घर में एक बार होगी, कारोबार होगा, कुछ बोतलें होंगी जो खाली होती होगी, उनकी क्या असलियत होगी, क्या कहानियां होंगी, ये हम एम्प्टी बॉटल्स के जरिए आपको सुनाते रहेंगे। और आप देखते रहिए, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल जी। चीयर्स चीयर्स।